बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के एक आर्मी के कॉन्वॉय पर, जिसमें एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, एक गाड़ी पर हमला अटैक किया और वो गाड़ी में 8 पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। और भी कई जगह ये हमले करते रहे हैं। बलूचिस्तान में सिचुएशन अब ये है कि पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टिंग होती है तो पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोलते हैं यार कहीं और दे दो, बेहतर है, उस एरिया में काम करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी हालत हो चुकी है, बिल्कुल कई सारे लोगों को मरवा दिया गया। ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, पर बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं जिन्होंने वहां जाके स्टडी की। उस आदमी को हाई सिक्योरिटी जेल से छोड़ दिया गया। किसने छोड़ा? उन लोगों ने जिनको ना तो फौजी फाउंडेशन का पैसा मिल रहा था, ना उनको पाकिस्तानी आर्मी की उगाही का पैसा मिल रहा था। बलूचिस्तान की स्थिति देखकर कुछ कुछ वैसा ही सीन याद आता है जैसा 47 के पहले हम सबने सुना है भारत में हुआ करता था। हर वो बलोच जिसने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया है, पाकिस्तानी फौज को अपनी हम कह सकते हैं रूह नहीं बेच दी है, वो अपने स्तर पर जितना वो लड़ सकता है उतनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है बलूचिस्तान के लिए। वो चाहे आप देखो दुनिया भर में इतनी सारे देश हैं जहाँ की एक्साइल गवर्नमेंट बनी, मतलब कितने सारे अलग अलग दुनिया के हिस्से हैं जहाँ की एक्साइल गवर्नमेंट्स बनी हैं, कई सारे हिंदुस्तान में ही आप देख लो, पंजाब की, मणिपुर की बनी है, लेकिन ये सब के सब फ्लॉप और प्रोपोगेंडाबाजी है वेस्ट के द्वारा इंडिया को डिफेम करने की। लेकिन बलूचिस्तान को अगर आप देखोगे, जो बलोच लोग हैं वो दुनिया में कहीं भी जाएँ वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिलनी चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये सारी चीजों का जवाब ना पाकिस्तान दे रहा है ना पाकिस्तान की आर्मी देना चाहती। पाकिस्तान के लोग भी ये सवाल पूछने लगे कि भाई नहीं, कुछ और गड़बड़ है, ये हथियार कहीं और से आ रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी बार बार या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार इंडिया को ब्लेम कर देती है, क्या हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है वहां पे, हमें दिख नहीं रहा, हम बेवकूफ हैं क्या? इस समय 2004 में एक नए चीफ मिले जिन्होंने ये बोला कि हम पहले पाकिस्तान से ले लें, सिस्तान बलूचिस्तान हमारे एजेंडे पे रहेगा, यानी कि ईरान वाला एरिया वो हमारे एजेंडे पे रहेगा, लेकिन हम दो तरफ इकट्ठे नहीं लड़ सकते, हम पहले पाकिस्तान से निपटेंगे उसके बाद हम ईरान से निपटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, बलूचिस्तान में हमारे पर नहीं हो रही, हमारे भाई गायब हो रहे हैं, हमारी लेडीज के साथ रेप हो रहा है वहां पे और हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने हमला किया था पाकिस्तान के एक आर्मी के कॉन्वॉय पर, जिसमें एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, एक गाड़ी पर हमला अटैक किया और वो गाड़ी में 8 पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, पाकिस्तानी आर्मी का। बलूचिस्तान 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और उस दिन तो जरूर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करते हैं। 11 अगस्त की सुबह सुबह या बोलिए 10 अगस्त की रात में भी एक हमला किया था कलाथ में, एक पुलिस स्टेशन पर जिसमें एसएचओ के ऊपर अटैक था और ये बोला गया था कि ये एसएचओ बलूचिस्तान के लोगों को परेशान कर रहा था, बलूचिस्तान के लोगों पर फर्जी एफआईआर काट रहा था। चलो तो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते, बीच में सिंध पड़ता है तो सिंध पे आपको डिटेक्शन होती होगी, या अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं जहां आपकी अपनी पिट्ठू सरकार जिसको आपने बैठाया उसको 1 साल हो गया, तो वो भी तो चेक, उसके भी चेक पोस्ट होंगे ना बॉर्डर पे, और आपकी अपनी फेंसिंग भी है। आप तो ये बोलते हो कि कश्मीर साइड पे फेंसिंग की हुई है तो हथियार कैसे जाते हैं, पर तो आपकी साइड पे तो फेंसिंग है, उधर से हथियार कैसे आते हैं? ईरान जिसके पास बलूचिस्तान का एक पार्ट है, सिस्तान बलूचिस्तान, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पाकिस्तानी साइड पर बलूचिस्तान आजाद हो जाए, क्योंकि उसके अपने एरिया पे भी अब आ जाएगा। उसके बाद अफगानिस्तान में 1 साल से आपकी अपनी सरकार है, वो सरकार आपके इशारों पे चलती है, आपकी दोस्त है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो हमारे लोग हैं, आपके होम मिनिस्टर उस जमाने के उन्होंने बोला कि हमारे लोग हैं, हमारे इलाके में रहते हैं, हम इनका इलाज करा। भाई हम लोगों ने, ये पाकिस्तान का आर्मी कॉन्वॉय था जो बलूचिस्तान इलाके से जा रहा था, और क्योंकि हम इसके खिलाफ हैं कि ये हमारे कंट्री में, बलूचिस्तान को वो कंट्री बोलते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे कंट्री पे इनकी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस है, उन्होंने क्लेम किया कि हमारे कंट्री पर ये नाजायज तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए हमने उन पर हमला किया।
इस हमले में 8 लोग मारे गए, ऐसा क्लेम है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का। और ये बोला गया है कि ये मलेशबंद कोई इलाका है जहां पे अरवान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये हमला हुआ था। प्लेन एरिया है, बहुत ज्यादा पहाड़ी वाला एरिया नहीं है। अगर कश्मीर टाइप एरिया हो जहां बहुत पहाड़ी है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पहुंचना मुश्किल है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी अटैक करना मुश्किल, वहां पर अगर कोई आर्मी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो तो दूसरी बात है। इनफैक्ट इससे पहले 14 तारीख को, 14 अगस्त पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने क्लेम किया था कि उन्होंने 3 जगह पाकिस्तान में हमले किए, एक कलात में, एक बालकतर में और एक मच्छ में, जहां पर एक ऑफिसर मारा गया। वो ये क्लैरिटी कई जगह से आई है, ये क्लैरिटी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने भी पाकिस्तान को बताई है। इसमें एविडेंस क्या है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को रिपोर्ट दी, वो मेरे हाथ में तो नहीं है। एविडेंस क्या है? एहसान उल एहसान कैसे भागा? एहसान उल एहसान ऐसे भागा कि एहसान उल एहसान को उन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सपोर्ट किया। कौन था एहसान उल एहसान? एहसान उल एहसान वो था जिसने पेशावर मिलिट्री स्कूल में, आर्मी के स्कूल पे अटैक करवाया था, बच्चे मारे थे पाकिस्तानी आर्मी के, अपने बच्चे। इस हमले के साथ साथ 2 और हमले, वो भी हैवीली ग्रुप्ड हैवी आर्म्स के साथ इन्होंने हमले की बात कबूली थी। बलूचिस्तान ने ये भी बोला अभी कुछ दिन पहले, 29 जुलाई को इन्होंने ये भी बोला था, चाइना हमारा एरिया छोड़ दे, हमारे एरिया में चाइना की प्रेजेंस ठीक नहीं है, हम अपने कंट्री में किसी और कंट्री की प्रेजेंस पसंद नहीं करते। ठीक है, और समुद्र में तो ऐसा है नहीं कि पेड़ों के पीछे छुप के कोई आ जाए, सामने से आता दिखेगा 100-200 किलोमीटर, तो बड़े आराम से पेट्रोल हो जाते हैं आपके सामने। दूसरी चीज, और आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी है, तो आप अगर वहां पे आपकी कोस्ट गार्ड घूम रही है, चाइनीज नेवी घूम रही है, तो कोई भी नाउन नहीं आ सकती। सीधी सी बात, ग्रुप है वो क्लेम करता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमारी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ये भी ना, हालांकि 1960 से बनी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और इस फ्रंट के जो चीफ हैं वो उस जमाने में, तो उन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान और ये पाकिस्तानी साइड बलूचिस्तान दोनों की आजादी के लिए स्ट्रगल की थी। बलूचिस्तान में इंटरनेट लगभग ना के बराबर चलता है, बलूचिस्तान में आप जाएं तो हर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जाकर के आपको एक आर्मी की चेक पोस्ट मिलती है। अब ये चेक पोस्ट करती क्या है? जब इतने चेक्स हैं तो ये हथियार कहाँ से पहुंचते हैं? ये लोग बोलते हैं कि इंडिया की तरफ से पहुंचते हैं। बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं ये चुन चुन के, इससे पहले इन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल को मारा था, क्योंकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल था और वो इस समय स्थिति बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज के लिए खराब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। आप देखो, जो बलूचिस्तान है वहाँ पर आज के टाइम पर बिल्कुल कोई भी बड़े से बड़ा इनका जो ऑफिसर है ना, वो भी कदम रखने में कतराता है। अब तो ये स्थिति हो गई है, जब से कुछ ऐसे किस्से सामने आए कि 40 40 50 50 पाकिस्तान के फौजी जा रहे हैं, उनको भी किडनैप कर लिया जा रहा है, उनको भी अगवा कर लिया जा रहा है, बाद में उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो जमीन पड़न से पूछा जा रहा है कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, कौन सा रेजिमेंट, कौन सा क्या, कौन से कहाँ से ताल्लुक़ है, कितने साल हो गए ड्यूटी को, सब कुछ उनसे बाकायदा पूछा जा रहा है। ये वीडियो क्यों भेजे जा रहे हैं? चाहते तो BLA वाले उनको सीधे निपटा दें, लेकिन ये चीज़ उनको मैसेज देना है कि देखो, जो तुम लोगों ने बलूचिस्तान में किया, इतने सालों तक अत्याचार किया, इतने एक तरीके से पूरा का पूरा जो वहाँ उनके मानव अधिकार हैं बलूचिस्तान के लोगों के, उनका हनन किया, बाकायदा मिसिंग पर्सन का तो इतना ज़्यादा इशू है कि लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार में, हर दूसरे तीसरे घर में बलूचिस्तान के कोई ना कोई मिसिंग पर्सन है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या इस सिचुएशन रह जाएगी। और जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की बहुत कम है, मतलब पहाड़ी, जितना आप बलूचिस्तान के इंटीरियर में चले जाते जाओगे वहाँ पर उतना ही ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट है इन बलोचों के लिए। क्या करना है इनको, तो कुछ नहीं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये हैं वो, जंगल सॉरी कम है, मतलब पहाड़ और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो छुपने की जगहें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा। मैदान में अब हमेशा से देखो, मैदानी लड़ाई लड़ना आसान होता है, इसीलिए इनका पंजाब पंजाब में दबदबा बना हुआ पाकिस्तानी फौज का, क्योंकि जो बड़ी फौजें होती हैं वो मैदान में लड़ लेती है, लेकिन ये जो छापा मार युद्ध नीति होती है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, ये
कम बलोच हैं, बहुत संख्या में कम है, रिसोर्सेज भी उनके पास में कम है, लेकिन वो इतने पारंगत हैं इस गुरिल्ला वॉरफेयर में, छापामार युद्ध में, कि उनके सामने पाकिस्तानी फौज जो है वो भागती हुई नज़र में आती। यही एक चीज़ थी जिसके दम पर मराठा साम्राज्य का जो है वो शुरुआत हुई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर से। उन्होंने इतनी बड़ी मुगल फौज को जो है वो हराया था। आज भी कुछ वैसा ही हमको बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है।